लेट्स रिवाइव बेलू इन वर्ल्ड। आज बात करते हैं हम उस टॉपिक पे जो कि बारिश के मौसम में ही होता है, डेंगू। डेंगू हमारी बॉडी में होने के बाद बॉडी में क्या सिम्टम पाए जाते हैं, डेंगू होता कैसे है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे इन वर्ल्ड। डेंगू जिसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, ये एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है फ्लाइव रैबो वायरस या आरबो वायरस। इस वायरस को स्प्रेड करती है फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम है एडीज एजेप्टी। अब अगर ये वायरस किसी को हो गया तो सिम्टम डेंगू के दो लेवल पर हो। क्लासिकल लेवल, इसमें सर के फ्रंट पे बहुत तेज दर्द होता है, आंखों के पीछे बहुत तेज दर्द होता है और वोमिटिंग फील होती है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सही से ट्रीटमेंट किया गया तो बेटर है, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया गया तो डेंगू नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। हेमरेजिक डेंगू, इसके बॉडी पर रेड पैचेस, स्किन पर स्पॉट आ जाते हैं इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से और नाक और गम से ब्लीडिंग होती है। और सिचुएशन क्रिटिकल तब होती है जब प्लेटलेट काउंट 40,000 क्यूबिक पर एमएम से कम हो जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट में पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है जो कि मेनली प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन होता है, और जो पेशेंट को बुखार और सरदर्द होता है उसको कंट्रोल करने के लिए पैरासिटामोल दिया जा सकता है। लेकिन डेंगू के बुखार में कभी भी पेशेंट को एस्पिरिन और डिस्पिरिन नहीं देना चाहिए।